नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी का हंटर जारी है। इसी के चलते सीएम योगी ने गाजियाबाद की पूर्व डीएम को निलंबित कर दिया है। गाजियाबाद में तैनात आईएएस अफसर निधि केसरवानी को योगी आदित्यनाथ ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि निधि केसरवानी इस समय भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर काम कर रही हैं। 2004 बैच की मणिपुर कैडर से आने वाली निधि केसरवानी के खिलाफ भूमि अधिग्रहण मामले में गड़बड़ी का आरोप है। आईएएस निधि केसरवानी के खिलाफ कार्रवाई अब केंद्र सरकार को करनी है। आपको बता दें कि बाकायदा इस कार्रवाई पर सीएम ऑफिस से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई, जिस ट्वीट में लिखा था कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप सीएम योगी ने तत्कालीन जिलाधिकारी गाजियाबाद को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू करने हेतु प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित करने के आदेश दिए हैं। पौड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गांव परिवार के साथ निरीक्षण किया। बता दें कि सीएम योगी ने परिवार के लोगों के साथ सुबह की सैर पर निकले थे, जहां सीएम ने छोटे छोटे बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई। इस दौरान सीएम योगी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ महाराज की मूर्ति का अनावरण किया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि महंत अवैधनाथ जी की प्रेरणा से ही यहां महाविद्यालय की स्थापना हुई है। उन्होंने कहा कि ग्राम कांडी में ही महंत अवैधनाथ जी का जन्म हुआ था, किंतु ज्यादा समय तक नहीं रुक सके थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमेशा पूछते थे। उत्तराखंड में चंपावत में उपचुनाव होना है, मुख्यमंत्री भी स्वयं वहां के प्रत्याशी है, और जब चंपावत गए तो वहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किया। मैंने का भी यह देखिए सौभाग्य है कि गुरु गोरखनाथ मंदिर का आपने वहां दर्शन किया। आज यहाँ के महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां से मुलाकात कर ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिजनों से मुलाकात की, बच्चों को चॉकलेट खिलाते दिखाई दिए। वहीं सबसे भावुक पल तो तब रहा जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी माता के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि 2 साल पहले जब पिता का देहांत हुआ था, तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वह अपनी माता से मिलने जरूर जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। अलीगढ़ में एक गरीब पिता ने धूप और बरसात में साइकिल के कंधे पर सिलेंडर रखकर घर घर जाकर गैस सिलेंडर डिलीवरी किए थे। वही बेटा आज आईपीएल की केकेआर टीम का हीरो बना है। 23 गेंद में 42 रन की नाबाद पारी खेल कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से जीत दिलाने वाले क्रिकेटर रिंकू सिंह को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। परिवार और गाँव के लोगों में खुशी का माहौल है। हाँ जी, रिंकू ने कल नाम अलीगढ़ का और अपना रोशन किया है परिवार का, किस तरीके की खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी खुशी हो रही है सर मेरे को तो, बिल्कुल पूरे परिवार को पूरी खुशी है। हमारे पूरे जितने नंबर यहाँ पर हैं सबको खुशी है। किस तरीके की मुसीबतों के बीच आपने रिंकू को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था? मुसीबतें तो खूब थी, अच्छा खेला और रणजी में उसका चयन हुआ था, अच्छे रन मारे। लखनऊ के सरकारी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल 8 बजे से शुरू होने वाली ओपीडी में डॉक्टर समय से नहीं पहुंच रहे हैं, जहां दर्जनों मरीज लाइन लगाकर डॉक्टर के इंतजार में खड़े रहते हैं। वहीं डॉक्टर को राउंड पर होने का हवाला देकर कंपाउंडर मरीजों को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दूरदर्शिता की कमी है। आज पूरा उत्तर प्रदेश बिजली कटौती से जूझ रहा है। गांव में 12-13 घंटे मात्र बिजली आ रही है, कहां 20 घंटे बिजली देने की बात की गई थी। अगर सरकार ने इसकी प्लानिंग पहले से कर ली होती तो शायद ये मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। सरकार 24 घंटे जात धर्म की राजनीति में बिजी है, तो यहां पे समाधान का रास्ता कौन खोजेगा? यहां सत्ता की लालच तो है, लेकिन जनता के समाधान की चिंता नहीं। बिजनौर में पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले 3 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरअसल ईद की नमाज के बाद ड्यूटी कर वापस थाने पहुंच रहे पुलिसकर्मी की बाइक इनसे टकरा गई थी,
जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं एक ही बाइक पर सवार तीन युवकों ने पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आते ही पुलिस हरकत में आई और तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सोहरा में एक आरक्षी सत्येंद्र बुढ़नपुर रोड से ईद नमाज की ड्यूटी करके थाने की तरफ वापस आ रहा था। सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात लहूलुहान हो गया था। इसी दौरान एक ही मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से चलते हुए तीन लड़के एक ही समुदाय के थे, फैजान, वसीम और मोहम्मद साद। इन्होंने इस आरक्षी के ऊपर अनर्गल अपशब्दों का प्रयोग किया, मारपीट किया तथा विद्वेषपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया। इनके मारपीट से वह सिपाही बेहोश हो गया, लात भी मारा था। कॉस्मोस हॉस्पिटल में एडमिट है, गंभीर अवस्था में है। इन तीनों के खिलाफ 307 सरकारी कार्य में बाधा डालने संबंधी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अक्षय तृतीया के अवसर पर पौराणिक श्री भरत मंदिर में भगवान भरत जी के दर्शनों को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं ने भगवान भरत की 108 परिक्रमा कर पुण्य लाभ लिया। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान भरत की 108 परिक्रमा करता है, उसे भगवान बद्री नारायण के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। खास बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन ही केवल भगवान भरत के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। उत्तराखंड के चार धाम के बाद अब पंच केदारों के कपाट खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। पंच केदारों में से तृतीय केदार के रूप में विख्यात भगवान तुंगनाथ की डोली भी आज अपने शीतकालीन गद्दी स्थल तुंगनाथ मंदिर मक्कू मठ से तुंगनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। आज और कल भगवान तुंगनाथ की पैदल यात्रा मक्कू मठ गांव के निकट स्थित भूतनाथ मंदिर में रहेगी और 5 मई को यात्रा पर्यटक स्थल चोपता पहुंचेगी। 6 मई सुबह को डोली के तुंगनाथ पहुंचने पर 11 बजे के करीब तृतीय केदारनाथ तुंगनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। ठीक है, हमारे ऋषिकेश के भरजू नारायण को मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अक्षय तृतीया जो हमारे लिए बहुत शुभ कार्य मानी जाती है, उसमें भगवान जी के दर्शन करने का जो लाभ मिलता है, ऐसा मान्यता है कि 108 परिक्रमा करने के बाद वही फल मिलता है जो भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वाला मिलता है। और आज सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान श्री के चरणों के दर्शन हो। मैं सर्वप्रथम अपनी ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को अक्षय तृतीया की, भगवान परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और जिस प्रकार से कि मान्यता है कि जो चारों धाम के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वहां पे नहीं जा पाते हैं, तो आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं। लखनऊ के थाना जानकीपुरम से 800 मीटर दूरी पर सरकारी कर्मचारी को जान से मारने का प्रयास करने वाले BMW सवार बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने पीड़ित लकी सिंह को गाली गलौज और धमकी देकर चले गए। बता दें कि पीड़ित विकास नगर से परिजन को छोड़ने के लिए जानकीपुरम आया था। पीड़ित के शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या है जी? नाम क्या है? लकी सिंह। पता गलत है? पता गलत है। तुम्हारा पता क्या है? मेरा पता कहाँ है? तुम सहारनपुर के शेरपुर में गरीब के छप्पर नुमा घर में भीषण आग लग गई, जहां ग्रामीणों ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बताया जा रहा है कि शादी के मौके पर आतिशबाजी करते समय चिंगारी छप्पर नुमा घर पर गिरने से आग लग गई है। सहारनपुर के वाया शामली रेल मार्ग पर चलती ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले युवक को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस ने पूछताछ के बाद खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी अपनी बीवी के महंगे खर्चे पूरे करने के लिए मोबाइल चोरी करता था। वहीं आरोपी के पास से चोरी किए गए 4 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। चोरी कर रहे हो? पहली बार ये सर जी, मैं तो कभी करी नहीं चोरी। क्या काम करते हो? भट्टे पर खेल करते हैं, रेंट काटते हैं जी हम तो। हाँ जी। तो हमारी शादी हो गई? हाँ जी, शादी के मतलब महीना अपना करने के लिए दीवी का सामान वामान ले लेंगे क्यों?
क्या आवश्यकता है चोरी करने के लिए ना, खर्च करने के लिए? फिलहाल में इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बॉड इंडिया।